Hi, my name is Prakhar Raj. I work here at a company in Silvassa, and this is my wife Jhalak Saxena. She's a housewife. Yeah. So initially, हमें मतलब Insta से Stylewell के बारे में पता लगा था, and so we scrolled some of the projects that they have done, and we found out that projects were really good, turned out to be good. So I thought that we should give it a shot. तो एक्चुअली सिलवासा में उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और कर भी रहे थे, तो बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट दे कन्विंस्ड अस कि भाई यू शुड यू नो वेट एंड सी हाउ आवर हाउस वुड टर्न आउट टू बी, एंड यस इट रियली यू नो केम अप टू द एक्सपेक्टेशंस. सो जैसे मंदिर के बारे में बात करें तो आई थिंक माई वाइफ वुड बी एक्चुअली शी वॉज इन्वॉल्व क्लोजली विद प्रिया जी इन ऑल द डिज़ाइनिंग पार्ट. And this is very important when it comes to, you know, designer and the owner of the house to work in coordination. So I think Jhalak would tell us about this. मंदिर का जो background मतलब जो back में था, तो मैंने प्रिया को video दिखाई थी, photo दिखाया था कि प्रिया मेरे को ऐसा मंदिर में चाहिए कि मंत्र लिखा हुआ हो. तो उन्होंने सर्च करा तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ऐसा बन जाएगा. जैसा मैंने भेजा था उससे भी अच्छा उन्होंने मुझे बना के दिया, और मंदिर जैसे मुझे चाहिए था मैंने उनको बोला था. मतलब काफ़ी ही अच्छा उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा उन्होंने मेरे को दिया. स्पेशियस है काफ़ी मंदिर, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. कुकी के रूम में एक्चुअली वो इम्प्रोवाइज होता गया जैसे जैसे है प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वॉल्व होते गए. कोऑर्डिनेशन हम लोगों का प्रिया जी के साथ हुआ तो इम्प्रोवाइज होता गया. लाइक कुकी का बेडरूम वगैरह बेडरूम में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है वो. मतलब जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया था तो हम लोगों को इतना लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा निकल के आएगा, पर जिस तरीके से दो बेड हैं उसमें और पूरा चाइल्ड रूम है, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. और जो बनने के बाद आया है लोग वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मास्टर बेडरूम का फॉर एग्जाम्पल वार्डरोब का बात करें अगर हम, तो ग्लास का जैसे उसमें LED लाइट्स के साथ है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है. तो वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब जो फिनिशिंग है डिटेल्स है एक एक चीज़ का, वो एक एक मतलब आपको वीडियो में निकल के आएगा.
मास्टर बेडरूम में फॉर एग्जांपल हम लोग के बेबी के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइनिंग किया है पूरा, जैसे उन्होंने बताया था कंटेम्प्रेरी थीम रहेगा, तो मतलब एजेस नहीं रहेंगे वहाँ पे, बेड का, टीवी यूनिट का, सब कुछ कर्व शेप में रहेगा। मतलब उन्होंने पूरा जो हमारा घर है वो एक मतलब बेबी के हिसाब से ही बना के दिया कि बेबी को कहीं भी चोट ना लगे, बेबी घूम सके, बेबी को कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ उन्होंने बेबी को सोच के ही उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं। एंड मास्टर बेडरूम थोड़ा स्पेशियस भी निकल के आया, मतलब ऐसा हमें लग नहीं रहा था कि वार्डरोब और ड्रेसिंग बनने के बाद इतना स्पेस हमें मिल पाएगा। जो है मिरर वाला चाहिए, तो पहले तो वो मुझे खुद ही बता रही थी कि क्या चीज़ हमारे स्पेस के लिए सही रहेगी क्या नहीं, कि हमें मतलब स्पेशियस भी लगे 3 BHK का, छोटा भी ना लगे और बड़ा भी लगे ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो खेलने में। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे हॉल मतलब डाइनिंग एरिया में मुझे मिरर चाहिए, तो उन्होंने उस मतलब जो मैंने सोचा था उन्होंने उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने मिरर मुझे बना के दिए लगाए हैं, तो काफ़ी मुझे उनका वर्क अच्छा लगा। यस आई मीन उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट को ऐसे कंप्लीट किया है जैसे वो खुद का अपना घर कंप्लीट करवा रहे हों, तो विच इज़ वेरी गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड किचन का बात करें तो आई थिंक किचन में एक्रिलिक का यूज़ किया है उन्होंने, जो एक्सप्लेन भी किया था उन्होंने हमें ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, एंड उसका फिनिशिंग और उसका डिटेल्स इतना अच्छा निकल के आया है। मतलब एक्रिलिक का मैं बताती हूँ, एक्रिलिक एक्चुअली हम लोग नहीं करवाना चाह रहे थे, बट प्रिया ने हमको बोला कि नहीं झलक करा के देखो अच्छा लगेगा। तब फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्रिया की बात मानते हैं करा के देखते हैं, सच में वो बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया है एक्रिलिक का। तो हमने बोला था कि हमें बाहर चाहिए बट बाहर कहीं बन नहीं पा रहा था, पर तब भी प्रिया ने हमको बाहर बना के दिया। उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट को ऐसे कंप्लीट किया है जैसे वो खुद का अपना घर कंप्लीट करवा रहे हों, तो विच इज़ वेरी गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट।